Good morning, student. How are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class, Science Chapter 4, Heat. Today our topic is sea breeze and land breeze, जो कि natural phenomena है. उसी के आधार पर सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, मतलब कि दो तरह की हवाएं चलती हैं. तो बात हम करते हैं पहले जिस तरह से सी ब्रिज, सी ब्रिज का होता है उल्टा है, रिवर्स.
केस में क्या होता है, देखिए अगर मैं इसी डायग्राम के अंदर इसका समझाता हूं तो इसके अंदर क्या होगा, ऊपर क्या है, ये कब होता है, एट नाइट टाइम, रात के समय। रात के समय क्या हो गया, जैसे समुद्र का टेम्परेचर 100 डिग्री की वजह से राइज हो गया था, वो इतनी जल्दी से हीट लॉस नहीं करता, मतलब उसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई। तो लैंड अपना टेम्परेचर लॉस कर देती है, तो फिर क्या होता है भाई, समुद्र का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से समुद्र से क्या होती है, वायु ऊपर की तरफ होती है और उसकी जगह लेने के लिए लैंड की तरफ से वायु समुद्र की तरफ आती है, यानी एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी, इस कारण लैंड ब्रिज
देखिए आगे देखिए हीट ट्रांसफर के बाद हमारे पास आगे हम करते हैं जो हीट होती है वो सारी की सारी ट्रांसफर नहीं होती, सारी की सारी रिफ्लेक्ट नहीं होती, सारी सारी अब्जॉर्ब नहीं होती। कुछ हीट होती है सम हीट इज रिफ्लेक्टेड एंड सम अब्सॉर्ब एंड सम ट्रांसमिटेड एक दूसरे तरफ जा रही है। देखिए हीट रिफ्लेक्टेड कब होती है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के नेचर पर डिपेंड करती है। जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं ब्लैक बॉडी कोई मान लीजिए कंप्यूटर है, इसके अंदर जो आता है कलर इसका ब्लैक, ये क्या है ब्लैक, इसमें बात ऐसे ही किसी तरह एक और है इसका कलर है वाइट। अब सन से जो लाइट आ रही है सूर्य की लाइट में रख के उस समय के बाद इसका टेम्परेचर क्या हो गया भाई हाई और इसका लो, मतलब इस बात का कारण क्या है ब्लैक कलर जो है ज्यादा ही अब्जॉर्ब कर रहा है, ये ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है अब्जॉर्ब कम कर रहा है। तो इस तरह से हीट रिफ्लेक्ट भी होती है अब्जॉर्ब भी होती है और ट्रांसमिट भी होती है। तो इसी के बेस पे आगे है काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर। देखिए हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, समर में गर्मी में या फिर विंटर में ठंड में। जैसे मैंने बताया था समर की अगर बात करें गर्मियों में, गर्मी में हमें लाइट कलर या फिर कॉटन क्लोथ, क्योंकि लाइट कलर क्या करता है मैक्सिमम हीट को रिफ्लेक्ट, मैक्सिमम हीट ज्यादातर को रिफ्लेक्ट करता है जिससे गर्मी कम लगती है। और विंटर विंटर में डार्क कलर, डार्क या ब्लैक वो क्या करता है मैक्सिमम हीट को अब्सॉर्ब, मैक्सिमम हीट और जिससे हमें क्या मिलती है गर्मी। इसी तरह से सर्दियों में हमें वूलन क्लॉथ भी क्यों डालते हैं, व्हाई वी वेयर वूलन क्लॉथ इन विंटर। देखिए वूलन क्लॉथ के बीच में एयर होती है
Nice day.